हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल HCD क्रिएशंस पर। आज हम चूड़ीदार पजामे बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके इसको इस शेप में फोल्ड कर लेंगे। नॉर्मल पजामे की लंबाई से 7 इंच का बेल्ट घटाकर जितनी लंबाई बचती है उस पर हम एक उतनी लंबाई के लिए एक निशान लगाएंगे। अब जहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगाया था उससे 17 इंच ऊपर घुटने के लिए एक निशान लगाएंगे। हमारी कमर होती है उसके एक चौथाई भाग में 2-3 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। जैसे अगर हमारी कमर 40 इंच है तो उसका एक चौथाई भाग व 10/10 में 3 इंच जोड़ करके हम 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये घुटने के लिए निशान लगाएंगे और नीचे ये आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं। अब इन निशानों को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला देंगे। अब इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाकर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये जितनी एक्स्ट्रा कपड़ा जो अभी हमने निशान लगाया वो हमारी चून बनेगी ऊपर। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ उसको उसी तरह से हम ऊपर की ओर खसका लेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन खींचकर इसको भी कट कर लेंगे। ऊपर के बेल्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। उसके लिए हमें बेल्ट 7 इंच का बनाना है, तो हम 9 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के 9 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। इस बेल्ट की चौड़ाई 17 इंच है और हमें 22 इंच का बेल्ट बनाना है, तो उस एक्स्ट्रे कपड़े को इसमें जोड़ने के लिए उसको भी 9 इंच पर कट कर लेंगे।
प्लास्टिक भी लगा सकते हैं या फिर नेफा भी बना सकते हैं। तो नेफा बनाने के लिए हम कपड़ा को इस तरह से पतले पतले कट कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें HCD क्रिएशंस को। Thank you for watching this video.